आज का टॉपिक है इस कदर प्यार करते हैं वो आपसे, तो क्या है उनके जज्बात ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ओरेकल में से हम 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। तो शुरुआत करते हैं ओरेकल से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। अब देखते हैं टैरो में से कौन से 5 कार्ड मिलते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि रीडिंग में मोस्टली ये कार्ड आ ही जाता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ से कोई गेस्चर मिले, यानी कि आपकी तरफ से मैसेज हो, कॉल हो, आप उनसे बात करें, आप सिर्फ हेलो भी कहें, इसके लिए ये इंतजार करते रहते हैं। और आपके बिना इनको हर एक पल जैसे उदास महसूस होता है। इनके सामने शायद लोग इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कोशिश करते होंगे, मतलब अगर कोई मेल पर्सन है तो हो सकता है इनके कांटेक्ट में कुछ फीमेल्स पर्सन कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, या फिर उनको रिझाने की भी कोशिश करती रहती है, या फिर अगर कोई फीमेल पर्सन है तो उनके सामने भी ऐसे कोई मेल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में खोए रहते हैं और वो यही उम्मीद में रहते हैं कि आज अभी इस वक्त काश उसका मैसेज आए या फिर कॉल आए। तो इस कदर आपकी तरफ से कोई भी बात, यानी कि आपका मिलना हो, आपको उनकी याद आ रही है, ऐसा कुछ भी, उसके लिए ये सोचते रहते हैं। तो ये भी उनका एक तरीका है आपसे प्यार करने का। नेक्स्ट है द हाई प्रिस्टेस। जैसे यहाँ पे चांद है, वैसे ही वो पर्सन हर रोज आपके बारे में सोचते हैं। जैसे चांद एक ही शेप में हर रोज नहीं होता, उसके शेप बदलते रहते हैं। कभी पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है तो कभी अमावस्या के दिन बिल्कुल भी गायब होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि चांद वहां से मिसिंग है। वैसे ही ये पर्सन भले ही आपके कॉन्टेक्ट में नहीं हो तो भी ये पर्सन आपके बारे में हर रोज सोचते रहते, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सोचते, और वो वक्त होता है मोस्टली रात के वक्त। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो अगर आप दोनों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, रिश्ते में कुछ दूरियां आई है, तो ये पर्सन सोचते रहते हैं कि आपकी तरफ से उन्हें कोई एक्शन मिले ताकि ये पर्सन आपके साथ एक नया स्टार्ट ले सके। टेम्परेंस, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ से ये एनर्जी जैसा कुछ फ्लो हो रहा है, वैसे ही हो सकता है। आप दोनों बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं, एक आग है तो एक पानी, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट्स ये कहते हैं वो बिल्कुल सही है। आपको भी आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्शन महसूस होता है भले ही दूरियां हैं, और आपके पर्सन भी आपके लिए वही अट्रैक्शन महसूस करते हैं उन दूरियों के बावजूद। तो ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों का यूनिवर्सल कनेक्शन है, जिसकी वजह से जब आपके थॉट्स यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके और आपके पर्सन के, तो यूनिवर्स उनको भी आपकी याद दिला देती है और आपको भी अपने पर्सन की याद आती है। तो याद के जरिए ही सही, लेकिन आप दोनों हर रोज एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और एक दूसरे को मिस करते हैं, और टेलीपैथिकली भी ये कम्युनिकेशन आपका शुरू ही है और यही आपका जरिया है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। तो वो भी कहीं ना कहीं दूर होने के बावजूद भी समझते हैं कि यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम वे। उनके भी मन में ये बात आती है कि आप भी उनके बारे में सोचती होंगी, सोचते होंगी। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। जैसे यहाँ पे ये चाबी है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपके हाथ में, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनके दरवाजे पे एक लॉक लगा हुआ है, और वो लॉक तभी अनलॉक हो जाता है जब आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। कोई भी बात हो, कम्युनिकेशन हो या मैसेज हो, कोई भी, या आपका ख्याल भी, जब ख्याल आपके बारे में ये ज्यादा खोए रहते हैं तब कहीं ना कहीं इनका दिल इनसे बातें करने लगता है। अदरवाइज ये शायद दुनिया के सामने रहते हुए भी ऐसी एनर्जी में रहते हैं जैसे उन्हें दुनिया की फिक्र ही नहीं, वो अपनी ही धुन में है, ऐसा ही होता है।
अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। आई नेवर फॉरगेट यू, तो चाहे कुछ भी करने की कोशिश करे ये पर्सन, लेकिन ये आपको भूल नहीं सकते, इस सच्चाई को वो बहुत ज्यादा मानते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो हमेशा जैसे यहाँ पे भी आप इस कार्ड को देख के भी समझ ही जाएंगे कि ये पर्सन वही सोचते रहते हैं, जब भी इनको आपकी याद आती है वो यही सोचते हैं कि आप क्या सोच रही होंगी या आप क्या सोच रहे होंगे। ड्रीम डेस्टिनेशन, आपको पाना ये शायद इनका ड्रीम डेस्टिनेशन है, और इसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए इनके जो दिल में ख्याल आते हैं उन्हीं में शायद ये खोए रहते हैं। फ्लावर्स, जब भी कभी ये कहीं भी मतलब गार्डन में हो, किसी शॉप में हो, या रास्ते पे आते जाते भी अगर कहीं भी उन्हें कुछ फ्लावर्स दिखते हैं तो वो फ्लावर्स उन्हें आपकी याद दिलाते हैं। हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहली बार जो गिफ्ट दिया था वो था फ्लावर, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकते हैं, या फिर राइट नाउ भी वो सोचते हैं कि आप बिल्कुल फ्लावर की तरह है। मतलब जैसे फूलों को देख के हर किसी को एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, एक दिल को थोड़ा सा हैप्पीनेस महसूस होता है, एक अलग ही दुनिया में हम नेचर की पहुंच जाते हैं, वैसे ही शायद आपका जो ऑरा है वो उन्हें शायद इसी तरह से कनेक्ट होने में मदद करता है। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप कहीं उनको भूल तो नहीं गए। मतलब जिंदगी के रोजमर्रा के डेली रूटीन में हमारे सामने कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी वजह होती है जिनकी वजह से भी हम अपनी पर्सनल लाइफ को कई बार इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, और ऐसे में इस पर्सन के मन में ख्याल आता है कि कहीं आप दिन भर में उन्हें भूल तो नहीं गए। हाइड एंड सीक, तो ये शायद अपनी मुश्किलें या फिर अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। दिल में तो ढेर सारा प्यार है लेकिन बताना नहीं है, सिर्फ आपकी तरफ से जानने में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, और इसी हाइड एंड सीक की एनर्जी में शायद अपने फीलिंग्स अब तक वो छुपाते आए हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इनके इमोशंस कोई नहीं समझ सकता, और इसीलिए शायद इनके मन में बार बार यही सवाल आता है कि कहीं आप उनको भूल तो नहीं गए। वेटिंग, तो ये आपके फोन का, आपके मैसेज का, आपके मिलने का इंतजार करते रहते हैं। मतलब भले ही कल आप दोनों मिले हैं लेकिन ये आने वाले अगले दो दिनों में भी आपसे मिलने के लिए फिर राह देखते रहते हैं। डेस्टिनी प्लान्स, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, मतलब आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो यूनिवर्सल लेवल पे है। इट्स म्यूजिक, मे बी आप दोनों में से किसी को म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है, और हो सकता है ये पर्सन आप दोनों का कोई फेवरेट ट्रैक बार बार सुनते हैं जिसकी वजह से ये आपको याद करते रहते हैं, या फिर ये जब भी म्यूजिक सुनते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, तो इस कदर प्यार करते हैं वो आपसे। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।